अब तो हमारा गोत्र बदल गया सब कुछ, अब हम साधु हो गए, लेकिन हम यादव परिवार में ही जन्म लिए। भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, उसमें मैं जन्म लिया, इसलिए मैं बहुत, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मैं जिस परिवार में जन्म लिया। और तो और गौरवान्वित हूँ कि मैं हनुमान जी के शरण में रहता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पहलवानों को आप हरा कर इतना बड़ा मतलब खिताब जीते हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय में गए होते तो मेडल लेकर आते हैं महाराज जी? नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे प्रैक्टिस मैट की नहीं है जी। अयोध्या में है और अयोध्या के महंत है हनुमानगढ़ी के महंत मनी राम दास जी, एक यदुवंशी परिवार से आते हैं मनी राम दास जी, और उन्होंने कुश्ती संघ का उत्तर प्रदेश केसरी खिताब जीता हुआ है। कहाँ से निकले हैं, किस परिवार से आते हैं, कहाँ पर घर है, हम बात करेंगे, और इतना बड़ा खिताब कैसे जीता है इस पर चर्चा करेंगे महाराज जी से। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। महाराज जी कहाँ से आते हैं, किस समाज से आते हैं, किस? हम, हमारा जन्मभूमि जो है बस्ती जिला में है जी। और मैं यदुकुल परिवार में जन्म लिया जी, और उसके बाद मैं आ गया अयोध्या हनुमानगढ़ी, यहाँ पर मैं साधु हो गया। तो साधु का कोई जात नहीं होता जी, लेकिन इससे पहले मैं यादव परिवार में जन्म लिया। यादव परिवार तो कुश्ती में बहुत पहले से रहा, इतिहास रहा है कि यादव परिवार कुश्ती में बहुत सक्रिय है। हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, हमारे भाई सब कुश्ती लड़ते थे जी, और वहीं से हमको प्रेरणा मिली। तो कुश्ती हमारे गांव में, हमारे परिवार में सब लोग लड़ते थे, तो जैसा माहौल था, जितना भी था, लड़ते थे सब लोग। तो मुझे भी इसका वो था, हमारे पिताजी उद्यान विभाग में नौकरी करते थे, सुबह उठते थे, तो मुझे बहुत छोटा था, मुझे याद है कि मुझे मिट्टी लगाते थे हाथ पैर में, हाथ पैर दबाते थे, कुश्ती सिखाने की कोशिश करते थे जी। तो फिर धीरे धीरे जो है, मुझे जब मैं थोड़ा जानने लायक हुआ तो मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था जी। तो फिर गर्मी की छुट्टी हुई तो हमारे पिताजी ने कहा कि हम कहीं अच्छे जगह ले जाएं, तो हमारे गुरुजी श्री बाबा मुरारी दास जी का दंगल था, तो वो गए थे, तो उनसे मिले और उनसे उन्होंने बात की। फिर बाबा हरिशंकर दास जी से बात किए, जो बहुत बड़े पहलवान थे, तो उनके यहाँ एक महीने के लिए मुझे लाए थे कि एक महीना गर्मी की छुट्टी में हमारा लड़का रहेगा, फिर हम लेके चले जाएंगे। तो हमको जो यहाँ खर्चा पानी जो लगा उन्होंने अपने हिसाब से दिया। फिर मैं यहाँ एक महीना रहा, तो फिर महाराज जी ने हमारे कहा कि नहीं, इसको रहने दो, यहीं पढ़ाओ लिखाओ। तो पिताजी हमारे फीस वगैरह देते थे, हम यहीं पर रहते थे, यहीं पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे रहने लगे और फिर मन लग गया, फिर साधु हो गए। तो आज हनुमान जी की कृपा से बस, अब तो हमारा गोत्र बदल गया सब कुछ, अब हम साधु हो गए, लेकिन हम यादव परिवार में ही जन्म लिए, और बहुत अच्छा है यादव परिवार, और भगवान की कृपा, भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, उसमें मैं जन्म लिया, इसलिए मैं बहुत, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मैं जिस परिवार में जन्म लिया। और अब तो और गौरवान्वित हूँ कि मैं हनुमान जी के शरण में रहता हूँ, हनुमान जी महाराज की सास राज कृपा रहती है हमारे पर। ये जो उत्तर प्रदेश केसरी का गुरु जी खिताब हुआ था, ये खिताब में आप कितने पहलवानों से लड़े थे? हमारी 5 कुश्ती हुई थी जी, एक हमको अकोबर मिला था, उसको मिला के 6 हुआ जी, और 5वीं कुश्ती जो है मुजफ्फरनगर का एक बाहुबली, आगे कुछ और नाम है, बाहुबली करके नाम था, उससे हुई थी, और उसको मैं जीत कर वहाँ का पुरस्कार और गदा जो सम्मान था उत्तर प्रदेश केसरी का, वो मुझे मिला। और वहाँ की कमेटी जो कराई थी उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आप रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय में क्यों नहीं गए आप? अंतर्राष्ट्रीय में आप, अगर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पहलवानों को आप हरा कर इतना बड़ा मतलब खिताब जीते हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय में गए होते तो मेडल लेकर आते हैं महाराज जी? नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे प्रैक्टिस मैट की नहीं है जी, मैं मैट की कुश्ती नहीं लड़ता, मैं पढ़ाई यहीं किया हूँ, अयोध्या में ही रहा हूँ, यहीं से मेरा हाई स्कूल, इंटर, MA, BEd, मैं सब कुछ यहीं से किया हूँ। फिलहाल मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला 4 बार, और उसके बाद कुश्ती लड़ने के लिए मैं सीनियर नेशनल, ओपन नेशनल खेला, तो लेकिन जब नेशनल में मैं गया, यहाँ तो मैं जीता, प्रदेश में जीता, मंडल में जीता, प्रदेश में जीता, जब मैं नेशनल खेलने गया
तो वहाँ पे पॉइंट के आधार से मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे पॉइंट का कोई नॉलेज नहीं था। तो और मुझे एक माहौल नहीं मिला, यहाँ हनुमानगढ़ी पे भी मैट की कोई व्यवस्था नहीं है, आज तक नहीं है, और इससे पहले गांव पे जब मैं था वहाँ भी नहीं थी, क्योंकि ये बड़े बड़े शहर में जहाँ स्टेडियम है, हॉस्टल है, वहाँ पे व्यवस्था थी। तो हॉस्टल और स्टेडियम में जाने के लिए पैसा लगता है, तो मेरे पास वो व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं उसकी वह शिक्षा नहीं ले पाया। तो बस ऐसे जितना भी चल रहा है, हनुमान जी की कृपा है, वो चल रहा है, मैं जितने में हूँ खुश हूँ, और आगे मैं नहीं जा पाया। तो अब उस संघ के अध्यक्ष जो हैं बिजभूषण सिंह जी, सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। हमने उनसे मांग किया कि मिट्टी पे कहा हमने अध्यक्ष जी से कि मिट्टी पे कुश्ती लड़ने वाले गरीब बच्चे हैं जी, वो बाहर नहीं जा सकते, और जो अमीर लड़के हैं जो मैट पे प्रैक्टिस करते हैं वही जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और मिट्टी को भी इंटरनेशनल कुश्ती बना दिया है। अब इससे भी लोग जाना शुरू कर जाएंगे, लेकिन अब हम लोग का तो बहुत लेट हो गया है। अब हम लोग उस पर प्रैक्टिस करके जान सकते हैं, लेकिन अब कर नहीं सकते, क्योंकि उस पर हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। हमने प्रदेश तक लड़ा, उसमें वहाँ तक जीता, इतना ही मेरे लिए बहुत था। वहाँ बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो जानने का एक उम्र होता है। अब हम लोग वह उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बिजभूषण शरण सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मिट्टी के पहलवान गरीब लड़के भी अब इंटरनेशनल कुश्ती लड़ने जाएंगे, इनको मैट की भी सुविधा नहीं है, उनको मिट्टी पर कुश्ती होगा, और यह उन्होंने लागू कर दिया है। तो हमारे साथ अयोध्या के महंत मनीराम दास जी थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। महंत जी से हम बातचीत करेंगे एक अखाड़े में, कभी चलेंगे महंत जी के साथ अखाड़े में, जहाँ पर कोई बड़ी प्रतियोगिता होगी और महाराज जी वहाँ पर जीतेंगे, हनुमान जी की कृपा रहेगी, श्री कृष्ण जी की कृपा रहेगी, जीतेंगे, तो उसी समय हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।